नमस्कार, फर्स्ट एड में आपका स्वागत है। मैं हूं रजत। जी, फर्स्ट एड की शुरुआत करते हैं। कुछ देर में इंडिकेटिव एक्शन आएंगे और साथ ही साथ फॉरेक्स मार्केट की ओपनिंग होगी, लेकिन एसएक्स निफ्टी जो कि फ्लैट है वो एग्जैक्टली अगर आप देखें अभी भी 7 अंकों की, अगर आप देखें मामूली से 7 अंकों की मजबूती लेकर कारोबार कर रहा है, 7495 का सर यहाँ पे। आई थिंक इस आंकड़े में सिर्फ एक ही बारीकी है, एक ही अगर आप देखें क्रक्स है वो ये है कि अभी निफ्टी जो है अपने आप को 7500 के आंकड़े से ना ऊपर की तरफ ना नीचे की तरफ बहुत दूर रखना चाहता है। इस प्राइस की तो एटलीस्ट अगर आप देखें तो यही खूबी है। बाकी आपके स्क्रीन पर आप देखें इंडिकेटर एक्शन अब शुरुआत हो चुकी है। 47 अंकों पर निफ्टी 7529 का स्तर यहाँ पर है। 10 अंकों पर इस वक्त सेंसेक्स कारोबार कर रहा है, मेजर बिल्कुल फ्लैट कारोबार कर रहा है। बीपी सर करीब 4 रुपये तेज है, गेल बैकफुट पे खड़ा है, 65 पैसे नीचे है। एमएनएम करीब 6 रुपये नीचे कारोबार कर रहा है। उसके बाद अगर आप भारतीय टेल को देखें तो यहाँ पर भी सीमित दायरे में कारोबार हो रहा है। मारुति एक अच्छी खासी अगर आप देखें तो मूव लेके कारोबार कर रहा है। 6711 की ट्रेजेक्ट्री यहाँ पर, कल इंट्राडे में आपको याद रखिएगा रुपए ने 67 के स्तर को भी तोड़ा था, तो जो FIIs का पैसा भारतीय बाजारों में आ रहा है वो कहीं ना कहीं फॉरेक्स मार्केट पे थोड़ा सा अपना जो इम्पैक्ट है वो डाल रहा है। लौटता हूँ मैं एक बार फिर से, अगर आप देखें 6706 के मुकाबले 6716 पे भारतीय रुपया खुल रहा है। छोड़ते हैं इसको, अगर आप देखें एक रेंज, छोटी सी रेंज, अच्छी रेंज में रुपया अभी भी कारोबार कर रहा है। HDFC बैंक आपकी स्क्रीन पे बैकफुट पे खड़ा है थोड़ा सा। बजाज ऑटो भी अगर आप देखें 4 रुपये नुकसान यहाँ पे है। ITC 320 रुपये के आसपास अगर आप देखें अभी भी झूल रहा है। सिप्ला करीब 4 रुपये ऊपर है। हीरो मोटर कॉर्प में 84 रुपये नुकसान दिखाई दे रहा है। उसके बाद अगर आप HUL को देखें तो 848 के स्तर पर 10 रुपये की तेजी लिए हुए कारोबार कर रहा है। टाटा पावर बिल्कुल फ्लैट। बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पे करीब 147.80 का स्तर बिल्कुल फ्लैट। ये स्टॉक एशियन पेंट्स अपने ट्रेडिंग करियर के ऑल टाइम हाई के बेहद नजदीक खड़ा है, क्रॉसिंग बैकफुट पे 9 रुपये नीचे। और इन्फोसिस आज 7 रुपये ऊपर कल की कमजोरी के बाद। और लार्ज कैप IT में TCS बिल्कुल फ्लैट और ICICI बैंक 2 रुपये नीचे। रजत सिमी, अगर आज फ्लैट ओपनिंग देखने को मिलती है तो फिर भी कौन सा एक स्टॉक है जो आप समझते हैं कि आउट परफॉर्म कर जाएगा बाजार को? रजत, एक तो मार्केट मुझे लगता है कि बहुत ही रेंज बाउंड होगा और इस मार्केट में कोई भी मतलब कॉल देना बहुत मुश्किल है। पर दो स्टॉक मेरे रडार में है, एक तो टोरेंट पावर जो कल के ट्रेडिंग सेशन में बहुत अच्छा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया था, 240 के ऊपर जाके बंद भी किया था। मुझे लगता है कि आज मार्केट थोड़ा सा सहारा देता है तो हो सकता है टोरेंट पावर ये 250-52 के आसपास जाके सेटल कर सकता है। ओवरऑल एक अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली भी स्ट्रांग है और इस बार 240 के ऊपर मेंटेन कर रहा है। अर्लियर 246-247 के आसपास हाई था, वो क्रॉस करेगा तो इसमें फ्रेश ब्रेकआउट आएगी। तो ओवरऑल मुझे ये स्टॉक अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि इसमें परफॉर्मेंस अच्छा रहना चाहिए। एक स्टॉक में मैं नेगेटिव हूँ, मुझे लगता है कि थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल सकता है वेदांता में, क्योंकि 90-91 के आसपास इस स्टॉक में रेजिस्टेंस है। वो कल भी इस रेंज से थोड़ा सा नीचे गया था, आज अगर 90 का लेवल क्रॉस नहीं करता है तो थोड़ा सा लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करके देखना पड़ेगा 91 के ऊपर स्टॉप लॉस लगा के। मुझे लगता है कि यह स्टॉक 86-84 के बीच में आके एक बार के लिए सेटल कर सकता है। ये पोजीशन मंडे तक ले जा सकते हैं अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होता है। जी, अब अंचल हमारे साथ मौजूद है नौ से और जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सी ऐसी ब्रोकिंग हाउस रिपोर्ट्स है जहां पर अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस में काउंटर्स बताए गए हैं। अंचल बताएं आज की रिपोर्ट। शुक्रिया रजत। हीरो मोटोकॉप पे पहली रिपोर्ट है। CLSA ने साफ तौर पे अपनी सेल रेटिंग को अभी भी बरकरार रखा है शेयर पे और डाउनसाइड टारगेट 2300 का दे रहे हैं। उनका मानना है जितना भी खर्च कंपनी R&D पे कर रही है वो काफ़ी अच्छा है और मध्यम अवधि में उसका जो असर है वो पैन आउट होता दिखेगा, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो डिमांड जो है टू व्हीलर डिमांड वो स्लगिश ही रहेगी, वहाँ पर वीकनेस की ही देखी जाएगी और वही कारण है सेल की रेटिंग को भी मेंटेन रखा है। JP Morgan ने ICICI बैंक के ऊपर एक नई रिपोर्ट जारी की है। आउट परफॉर्म की रेटिंग जरूर दी है लेकिन टारगेट ट्रिम किया है, 300 से घटा के 260 किया है और टारगेट घटाने का सबसे बड़ा कारण है NPA। उनका मानना है जो NPA की चिंता है वो अगले 1 से 2 तिमाही तक जारी रहेगी और वही कारण है लक्ष्य को घटाया जा रहा है। HSBC ने PI इंडस्ट्रीज के ऊपर एक नई रिपोर्ट जारी की है, बाय की रेटिंग दे रहे हैं, 735 का टारगेट दिया है, ओवरऑल बुलिश है। डेफिनेटली उनका मानना है कि कंपनी दाम घटा सकती है धीरे धीरे चल के उससे, लेकिन मार्जिन पे इम्पैक्ट नहीं आता दिखेगा और उसका सबसे बड़ा कारण है जो वॉल्यूम गेम है वो ज़्यादा फैक्टर प्ले इन करेगी, यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ती हुई दिखेंगी और जो दाम घटने का इम्पैक्ट है वो निगेट करती हुई दिखेंगी। और साथ में CLSA ने ऑयल एंड गैस सेगमेंट पर अपनी पूरी एक रिपोर्ट जारी की है। उनका ओवरऑल मानना है जो रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं वो लंबी अवधि के लिए बेहद सकारात्मक है सेक्टर के लिए, लेकिन अभी फिलहाल के लिए ONGC और गेल दोनों पे ही सेल की रेटिंग बरकरार रखी है और वहीं दूसरी ओर केन इंडिया और रिलायंस उनका मानना है निवेश के लिए बेहतर विकल्प है। केन इंडिया और रिलायंस इस वक्त निवेश के एक बेहतरीन विकल्प मान रहे हैं इस प्राइसेस पे अगर आप देखें बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस। श्रीकांत, आपकी भी राय क्या है? यही है रिलायंस इन लेवल पे, केन इंडिया इस लेवल पे, ONGC या फिर इस लेवल पे 204-205 के आसपास, क्या एज ए इन्वेस्टर यहाँ पर अब निवेश करना चाहिए? क्या ये लेवल्स रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के अनुसार अच्छे हैं?
देखिए अगर इधर अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू के साथ अगर चलते हो तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि रिलायंस और केन इंडिया में हम करंट लेवल से लॉन्ग करके चल सकते हैं। स्पेशली अगर आप रिलायंस देखेंगे तो रिलायंस अपने एक ट्रायंगल फॉर्मेशन में ट्रेड कर रहा है, वो 1050 या 1060 के ऊपर नहीं जा रहा है, और उसी अगर आप डाउन साइड पर देखते हो उसे तो ये 900 या 880 के करीब नहीं एमडी से वहाँ पर ऑलवेज एक रिकवरी दिखा देता है। तो समाव मुझे लगता है कि ये रेंज शायद आने वाले कुछ एक महीनों में डेफिनेटली जो ट्रायंगल रेंज है वो डेफिनेटली वो अपसाइड ब्रेक करेगा, और फिर अगर ये अपसाइड ब्रेक कर लेता है तो मुझे लगता है 1200 या 1300 के रेट्स ये आने वाले कुछ महीनों में डेफिनेटली दिखा सकता है। तो जो भी करेक्शन मिले मुझे लगता है इसे बाय करके चलना चाहिए। इनफैक्ट इस बजट के बाद भी अगर आपने देखा होगा तो जो एक फ्रंटलाइन स्टॉक में अगर कोई एक अच्छा स्टॉक चला है तो रिलायंस काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर चुका है। समाव मुझे लग रहा है कि अगर ये 980 या 960 के करीब अगर मिलता है तो ये बेहद प्रॉफिटेबल ट्रेड हो सकता है फॉर पोजिशनल ट्रेडर्स। केन इंडिया अगर आप देखेंगे तो इसके वीकली चार्ट देखो, इसमें काफ़ी अच्छा एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस बना है, इसके एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन को इसने कट किया हुआ है, और अगर आप ओवरऑल रिट्रेसमेंट्स लेते हो तो लगता है मुझे कि शायद 170 या 180 के लेवल्स को आने वाले दिनों में छू सकता है। करंट लेवल से शायद थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उतना फेवरेबल नहीं है, बट डेफिनेटली अगर ऐसे मार्केट में अगर कोई भी अगर करेक्शन आए तो हम करंट लेवल से भी इसे लॉन्ग कर सकते हैं और डिक्लाइंस में हम इसे ऐड कर सकते हैं। बट ONGC ये स्टॉक अभी भी सुधर नहीं रहा है, इसमें काफ़ी सारे दिक्कतें हैं। मुझे लगता है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक से हम अगर दूर रहे और कुछ दिनों तक तो बेहतर होगा। लेकिन फास्ट मनी हमारा स्पेशल सेगमेंट है, 7:30 बजे एक स्पेशल शो हम करते हैं जिसमें बताते हैं कुछ ऐसे ट्रेड्स जो इंट्राडे बेसिस के लिए होते हैं और आपकी अच्छी कमाई करा सकते हैं। मनीष और संदीप के बीच मुकाबला था आज, देखते हैं आज के स्टॉक्स। जो है 10 में से 7 शेयर खरीदारी के और 3 शेयर बिकवाली के बताए हैं। टिन प्लेट में मजबूती देखने को मिल सकती है, टाटा ग्रुप की कंपनी जेट एवीज और सीएट में आज के ट्रेड में दबाव देखने को मिल सकता है। बतौर ईपीएस शेयर मैंने टीएफसी उतारा है जिसमें कि आज के ट्रेड में एक जोरदार रैली देखने को मिल सकती है, 53 रुपए का लक्ष्य होगा। आईडीबीआई बैंक में गिरावट देखने को मिल सकता है, 63 रुपए का आपको टारगेट लगाना होगा। इसके अलावा आज के ट्रेड में इंडियन होम, नेल्को, हिम्मत सिंह का सीडे जैसे स्टॉक्स में मजबूती देखने को मिल सकती है। गॉडसे फिलिप्स में भी आज के ट्रेड में खरीदारी करने से लगी, और टाटा मेटेलिक्स को आज के ट्रेड के लिए मैंने बतौर सुपर हिट से उतारा है, 104 रुपए का लक्ष्य रखना होगा। एक बैलेंस पोर्टफोलियो की बात मैंने की थी, 5 बिकवाली और 5 खदारी के ट्रेड्स मैंने आपको बताए थे। वेदांता, हिंडालको, एनएमडीसी 3 मेटल काउंटर्स है जो कि इंटरनेशनल मार्केट्स में प्राइसेस करेक्ट हुए हैं, उसका इंपैक्ट नेगेटिव साइड पे आज देखने को मिलेगा। कैनेडिया में जिस तरह से कच्चा तेल हल्का हुआ है उसकी वजह से आज बिकवाली का बाहर देखने को मिल सकता है। बतौर ईपीएस मैंने बाफना फार्मा को उतारा है, एक मिड कैप फार्मा कंपनी है और अभी तक देखिए रैली में ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं हुआ है, इसी की वजह से आज तेजी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा कुछ और खदारी के ट्रेड्स मैंने आज बताए थे, उसमें सिंजिन जिसकी आज बोर्ड बैठक होने वाली है उसके ऊपर नजर रहेगी। एचपीसीएल क्रूड में जो गिरावट है उसकी वजह से तेजी देखने को मिलेगी। बीएचएल कल भी बिकवाली थी, आज भी बिकवाली का बाहर जारी रह सकता है। ओमका स्पेशलिटी केमिकल्स कच्चे तेल में कमजोरी का फायदा इस तरह के नंबर्स में देखने को मिलेगा। और बतौर सुपरहिट मैंने स्किपर को उतारा जिसको 120 करोड़ रुपए के आसपास का ऑर्डर मिला, उसकी वजह से आज तेजी देखने को मिलेगी। 145 का टारगेट लेके खरीदारी करने की राय होगी आज के लिए। राइट प्रीतेश, कुछ और स्टॉक्स आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। देखिए चावल स्टॉक्स में पिछले कुछ दिनों में अच्छी खासी एक्युमुलेशन देखने को मिली, एक तो आप बताएं KRBL पे क्या करें, एक तो इसका टेक्निकल सेटअप बताएं, और दूसरा एक है टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन। आज फास्ट मनी में पिक भी है मनीष की, टेक्निकल सेटअप कैसा लग रहा है दोनों स्टॉक्स का आपको? देखिए सबसे पहले TFCL की बात करें, आई थिंक स्टॉक हैज गॉन थ्रू अ प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन एट द बॉटम, तो बहुत ही अच्छी साइन है काउंटर में, बिकॉज 2 वीक का कंसोल देखने को मिल रहा था बिटवीन 38 एंड 42, एंड वहाँ से एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। आई थिंक द स्टॉक हैज लेग्स टू मूव हायर, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 52-53 का टारगेट नजर आ रहा है, 43 का स्टॉप लॉस बना के रखिए। एंड अगर KRBL की बात करें, आई थिंक द स्टॉक इनफैक्ट सिमिलर काइंड ऑफ फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। देखिए काउंटर्स की अगर हम स्ट्रेंथ बात करें, वी नीड टू फाइंड काउंटर जहां पर अच्छा बेस बिल्डिंग देखने को मिल रहा है, जहां पर फ्लैट पैटर्न फ्लैट बेस देखने को मिल रहा हो, KRBL वही काउंटर है। आफ्टर बिट ऑफ कंसोलिडेशन इट इज मूविंग हायर, तो मुझे लग रहा है कि यहां पर 245-248 का टारगेट बनता है, मेंटेन अ स्टॉप ऑफ 216। राइट प्रीतेश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पे अप्रोच बताने के लिए। इंडिकेटिव एक्शन में बता दूं, एक तो मंगलम ड्रग्स फिर से 4% ऊपर खुला है, मोंटी कार्लो में मोमेंटम बन सकता है, 2.9% की तेजी शो कर रहा है इंडिकेटिव एक्शन में। महिंद्रा CIE ये स्टॉक ये भी एक्टिव है, और साथ ही साथ टाटा मेटेलिक्स और टिन प्लेट, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर मोमेंटम बन सकता है। इंडिकेटिव एक्शन के हिसाब से ये सजेस्ट हो रहा है मार्केट पे, मार्केट फ्लैट ही खुलने की उम्मीद है। टाटा मेटेलिक्स और टिन प्लेट, सिम्मी आपके कमेंट्स?
देखिए टाटा मेटालिक में मुझे लगता है कि थोड़ा सा बाइंग देखा जा सकता है क्योंकि मुझे लगता है कि ये स्टॉक टेक्निकली एक अच्छा जगह पे ही है, पर अभी मार्केट में एक्चुअली मुझे लगता है कि मार्केट बहुत ही रेंज बाउंड है, तो इसलिए कोई मतलब बाइंग करने में भी मुझे लगता है कि स्टॉप लॉस को भी स्ट्रिक्टली मेंटेन करना पड़ता है पड़ेगा। टाटा मेटालिक के लिए मेरा स्टॉप लॉस होगा 90 के आसपास, 90 का स्टॉप लॉस अगर होल्ड करता है तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक 100 से 102 तक भी जा सकता है, पर 90 के ऊपर ही मेंटेन कीजिएगा लॉन्ग पोजीशन, क्योंकि नहीं तो इस मार्केट में कोई भी ट्रेड लेना भी बहुत मुश्किल है। जी बसीन साहब अभी कुछ यहाँ सवाल टीन प्लेट की, तो मुझे जी बोलिए बोलिए अपनी बात पूरी करिए। टीन प्लेट मुझे लगता है कि इसमें भी लॉन्ग पोजीशन लिया जा सकता है, पर थोड़ा सा मतलब कॉशियस अप्रोच लेना पड़ेगा क्योंकि ये स्टॉक थोड़ा सा मुझे लगता है कि एक तो वापस करेक्शन मोड में जा सकता है, अगर कोई लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर रहा है तो उसके लिए मेरे ख्याल से स्टॉप लॉस उनको मैं दे रही हूँ 65 के नीचे ये स्टॉक वापस वीक हो सकता है, और वीकनेस में ये स्टॉक वापस 62 से 60 का रेंज भी छू सकता है। 65 के नीचे स्टॉक में लॉन्ग मेंटेन करने का जरूरत नहीं है, नहीं तो ठीक है। श्रीकांत, आईटी स्टॉक्स पे आपकी राय, दिग्गज पार्टिसिपेट नहीं कर रहे लेकिन मिड कैप स्टॉक्स में रफ्तार है, क्या लगता है इंफोसिस टीसीएस जैसे स्टॉक्स चढ़ेंगे क्या? बिल्कुल सही कहा आपने, मुझे लगता है कि फ्रंटलाइन जो स्टॉक्स है जो में जो इंडेक्स को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं लाइक इन्फोसिस टीसीएस विप्रो, उनमें हमारा एक काफ़ी लाइक इतना कुछ प्रॉपर ऐसा बुलिश व्यू नहीं है क्योंकि वो एक रेंज बाउंड अपने एक रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। हमें उसमें एक इन्फोसिस काफ़ी अच्छा लग रहा है जो एक 1150 या 1130 के करीब बाय कर सकते हैं, बट डेफिनेटली मुझे लगता है कि जो मिड कैप आईटी है उनमें काफ़ी अच्छा एक रुझान बना हुआ है और उनके जो फॉर्मेशंस है वो काफ़ी स्ट्रांग फॉर्मेशंस है लॉन्ग टर्म के लिए। स्पेशली आप देखेंगे तो जो इंटेलेक्ट डिज़ाइन है या तो मेजस्को, KPIT, जोमेट्रिक, सोनाटा सॉफ्टवेयर, अगर आप इन सभी पैटर्न्स को अगर आप देखते हो तो उनमें कोई ना कोई एक ट्रायंगल या कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन बना हुआ है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक्स हम बाय करके अगर चलते हैं करंट लेवल से, बिकॉज काफ़ी अच्छे अट्रैक्टिव लेवल्स पे ये आ चुके हैं, तो आने वाले दिनों में ही हमें काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। जी श्रीकांत, अगर आप UPL को ट्रैक करते हैं कुछ कहना चाहेंगे? आई थिंक मैं इस काउंटर को सुबह देख रहा था, टेक्निकली अच्छा है, कल भी अगर आप देखें काफ़ी अच्छा मूव दिया था इसने, और सबसे बड़ी बात है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशो वो काफ़ी अच्छा था इस स्टॉक पे। कल भी इनफैक्ट हम बात करते थे कि ये कब 450 के ऊपर निकलेगा, कब 450 के ऊपर एक डिसेंट मूव देगा, इस पर आपकी राय क्या UPL पे? देखिए UPL में वैसे जब हमने एक फॉल देखा था तो 470 और 440 के करीब हमें काफ़ी अच्छा एक साइडवेज एक्टिविटी देखा था, बट ये स्टॉक उसे पर्टिकुलर होल्ड नहीं कर सका और उसके बाद गिर गया है। तो समाव मुझे लगता है कि ये जब तक 470 के लेवल को क्रॉस ना करे तब तक मुझे लगता है ये रेंज बाउंड रहेगा 410, और मुझे लगता है शायद 470 मैक्स दिखा सकता है। लेकिन एक बात तय है कि अगर ये स्टॉक वापस अगर 410 या 415 के करीब अगर आने वाले दिनों में अगर स्टेबलाइज अगर दिखाने का अगर कोई इंडिकेशन चालू कर देता है तो डेफिनेटली हम इसे लॉन्ग करके चल सकते हैं, क्योंकि ये एक बुलिश मार्केट में हमेशा पार्टिसिपेट करता है और 520 से या 530 के करीब करीब ये हमेशा ही चला जाता है, तो डेफिनेटली 400 के करीब इसे हम बाय करके चल सकते हैं। मिस्टर वर्जिन, आज के मार्केट में अगर पॉजिटिव अप्रोच करना हो तो कौन से सेक्टर्स, कौन से स्टॉक्स पे व्यू है आपका पॉजिटिव? मुझे लगता है कि ये जो रैली थी उस रैली में जो आउट परफॉर्म, मिस्टर वर्जिन मिस्टर वर्जिन ये सवाल आपसे था, टाइम पीरियड के लिए होल्ड करने का सवाल था मेरा। जी वर्जिन साहब आप बोलिए, रजत का प्रश्न आपसे था। चार पांच नाम बताएंगे जो लॉन्गर टर्म के लिए यू शुड होल्ड, उसमें टॉप नेम है NBCC कंस्ट्रक्शन, Tier 1 Tier 2 में इट इज शोइंग यू स्ट्रांग ऑर्डर बुक और बहुत ही स्ट्रांग मार्जिन फ्लो है। NBCC यहाँ से आपको 975,000 रुपये का भाव आ सकता है। सेकंड है BEL, प्ले ऑन द डिफेंस इक्विपमेंट साइड और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में टॉप कंपनी है, हमें 1170-1175 का भाव इसमें दिखता है। तीसरा हमने आपके ही चैनल पे डिश टीवी 71 रुपये पे बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड किया था फॉर अ टारगेट ऑफ 78, अब आप 75 का स्टॉप लॉस रख के उसको 81-82 तक ले सकते हैं। चौथा यस बैंक हैज गिवन अ वेरी स्ट्रांग ब्रेकआउट, 772 पे बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस थी, अब 790-795 का भाव है, हमें 830 का उसमें टारगेट लगता है। और पांचवा गेल है, ये हमारी टॉप रिकमेंडेशन थी एट 315, अभी भी 340-342 में इसको अक्यूमुलेट कीजिए, बिकॉज जो पेट्रोनेट ने रैस गैस के साथ रीनेगोशिएशन ऑफ प्राइस किया है
उसका फुल फ्लो ऑफ मार्जिन एंड एक्रिएशन वो गेल को होएगा. तो गेल कैन गिव यू अ टारगेट ऑफ एटलीस्ट 25% फ्रॉम हियर इन बाय द एंड ऑफ 2016. इस बीच आप देखिए निफ्टी जो है वो अपनी मजबूती को थोड़ा सा और बढ़ाता हुआ, सुबह फ्लैट था लेकिन अब करीब करीब 15 अंकों पर होके 7500 के आंकड़े के ऊपर आ चुका है. तो निफ्टी निफ्टी थोड़ा सा अगर आप देखें ट्रेजेक्ट्री अपनी दिशा जो है ऊपर की तरफ करता हुआ कुछ देर में ओपनिंग होने वाली है. देखिए किन स्टॉक्स पर नजर रहेगी. क्रिसिल ने 8 सरकारी बैंकों की रेटिंग जो है घटाई है. इसका पूरा का पूरा असर अगर आप देखें पीएसयू बैंक्स के जो मिड कैप के स्टॉक्स हैं उनकी बास्केट पे पड़ेगा. बाकी अगर आप देखें कल ईसीबी की जो बैठक हुई उसका जो फैसला है ब्याज दरों को घटाने का उसके चलते यहाँ पर मेटल्स पे और माइनिंग स्टॉक्स पे एक असर पड़ेगा. बाकी अगर आप देखें जब कमोडिटी मार्केट की ओपनिंग होगी उसके बाद हमें देखना होगा कि एग्जैक्टली गोल्ड पे उसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है. तो मेटल्स एंड माइनिंग स्टॉक्स पर भी नजर रखिएगा ये प्रभावित होंगे. आज ONGC पे खबर अच्छी है. ONGC को अगर आप देखें सकारात्मक ओपनिंग मिल सकती है कल के अगर आप देखें कैबिनेट के निर्णय के बाद. हालांकि उसके बाद अगर आप देखें जो रत्ना सीरीज के अगर आप देखें आर सीरीज के इनको जो ब्लॉक्स मिलेंगे उसके बाद भी अच्छी इंपैक्ट पड़ने की अगर आप देखें पूरा का पूरा अनुमान है. निफ्टी आपके स्क्रीन पर आप देखें 7491 के स्तर पर कारोबार करता हुआ ओपनिंग के बाद और लगभग सेंसेक्स इस वक्त लगभग 34 अंकों पर कारोबार कर रहा है. रिलायंस करीब अगर आप देखें 7 रुपये पर खड़ा है. इन्फोसिस में तेजी है. उसके बाद कोल इंडिया लगभग 8 रुपये पर कारोबार करता हुआ. टेक महिंद्रा अगर आप देखें करीब इन्फोसिस करीब 8 रुपये ऊपर. टेक महिंद्रा बिल्कुल स्टेबल है. बॉश 120 रुपये पर कारोबार करता हुआ. आईडिया अगर आप देखें तेजी यहाँ पर है और ITC भी अगर आप देखें मजबूती लेकर कारोबार कर रहा है. वेदांता में लगभग फ्लैट रुझान है. बॉश करीब 5 रुपये 7 पैसे. निफ्टी लूजर्स को देखते हैं एक बार. सन फार्मा 19 रुपये नीचे कारोबार कर रहा है. उसके बाद अगर आप आगे बढ़े तो सन फार्मा के बाद ICICI बैंक करीब 1.5 रुपये नीचे 293.90 का स्तर यहाँ पर. टाटा स्टील लगभग 1.5 के आसपास कारोबार करता हुआ. M&M में करीब 5 रुपये नुकसान है. टाटा स्टील बैकफुट पर है. HCL टेक्नोलॉजीज ये सारे के सारे स्टॉक्स अगर आप देखें बैकफुट पर. PNB अगर आप देखें नीचे है. इस बीच अगर आप देखें बैंकिंग स्टॉक्स को बैंकिंग स्टॉक्स क्या कर रहे हैं आपकी स्क्रीन पर IDBI बैंक बैकफुट पर 1 रुपये नीचे. उसके बाद IDBI बैंक के बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 180 के साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे कारोबार करता हुआ 80 पैसे नीचे करीब 179.60 पर. उसके बाद BOB में गिरावट है 45 पैसे की. बहुत सीमित दायरे गिरावट है लेकिन लाल निशान तो है कायम. बैंक ऑफ इंडिया यानी शुरुआती तेजी में निफ्टी की थोड़ी बहुत जो है वो बैंक्स कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं. बैंक ऑफ इंडिया बैकफुट पर कारोबार कर रहे हैं. उसके बाद अगर आप कुछ और से रफ स्टॉक्स को देखें जहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए ये देखिए देना बैंक लगभग 55 पैसे नीचे कारोबार कर रहा है. IDBI बैंक करीब 1.30 रुपये नीचे कारोबार करता हुआ. रजत जी बिल्कुल अरे 8 बैंक्स की रेटिंग हटाई गई है क्रिसिल द्वारा. लेकिन कुछ स्टॉक्स जो न्यूज फ्लो था और इंपैक्ट था स्किप पर को ऑर्डर मिला उसका इंपैक्ट देखिए 7% की तेजी बन गई स्टॉक में. HDIL आज रियल एस्टेट बिल्कुल जो मंजूरी का इंपैक्ट है वो विजिबल होगा रियल एस्टेट स्टॉक्स पे. एजिस लॉजिस्टिक्स 1-2% की तेजी के साथ कामकाज हो रहा है. महिंद्रा हॉलीडेज में 1% की तेजी है. कॉर्पोरेशन बैंक इनफैक्ट कंटेनर को माफी जी का यहाँ पर OFS को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है उसका एक रिएक्शन पॉजिटिव है. इसके अलावा विप्रो में पॉजिटिव टिक्स लगे हैं. 538.7 के लेवल पे कामकाज हो रहा है और सन फार्मा आज गिरावट देखने को मिल रही है 1.7% की गिरावट के साथ खुलता हुआ. यूनाइटेड स्पिरिट्स बिल्कुल फ्लैट. ऑटो सेक्टर देख लेते हैं. इनफैक्ट मारुति सुजुकी में माइनर टिक्स पॉजिटिव है. टाटा मोटर्स बजाज ऑटो में पॉजिटिव मोमेंटम. हीरो मोटोकॉर्प TVS मोटर देखिए शुरुआत थोड़ी लाल निशान में थी लेकिन निचले स्तरों से कुछ खरीदारी लौटती हुई नजर आ रही है. स्पेशली टाटा मोटर्स बजाज ऑटो हीरो मोटोकॉर्प आधे फीसदी तक चढ़ चुके हैं. इन स्टॉक्स पे नजर रख के चलें मोमेंटम बढ़ रहा है ऑटो स्टॉक्स में. साथ साथ रियल एस्टेट बिल राज्यसभा में पास हुआ है. DLF बिल्कुल फ्लैट है 105.80 के लेवल पे कामकाज हो रहा है. HDIL में आधे फीसदी की तेजी 71.20 का मौजूदा स्तर. ज्यादा हलचल है नहीं इन दोनों स्टॉक्स में. सुबह 1% की तेजी के साथ 254.3 का लेवल शुरुआती सत्र में. प्रेस्टीज एस्टेट्स 2.2% छोटे मझौले काउंटर्स आगे फ्रंट फुट पे हैं. ओबरॉय रियल्टीज 2% की तेजी के साथ कामकाज हो रहा है 252.50 का लेवल. और रियल एस्टेट बिल राज्यसभा में पास होने का इंपैक्ट पॉजिटिव इंडिया बुल्स रियल एस्टेट पे. ज्यादातर जो स्टॉक्स हैं रियल एस्टेट कैटेगरी के वो हरे निशान में खुलते हुए नजर आ रहे हैं. मेटल स्टॉक्स वेदांता माइनर गेन लेकिन हिंजिंग टाटा स्पॉन्ज टाटा स्टील यहां पर गिरावट है. हिंडालको में भी आज सिर्फ आधे फीसदी के आसपास. श्रीकांत ओपनिंग देखिए आपने अब कहां दांव लगाएंगे आप. देखिए मुझे लगता है कि इंडिया बुल्स रियल एस्टेट जो स्टॉक है उसमें काफी अच्छा डबल बॉटम जैसा फॉर्मेशन बनाया और उसके बाद हमने एक रिकवरी देखी है. मुझे लगता है डेफिनेटली ये स्टॉक आने वाले दिनों में परफॉर्म कर सकता है. हमें जो टेक्निकल टारगेट्स जो नज़र आ रहे हैं वो है 61-62 के करीब के. करंट लेवल से मुझे लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशो काफ़ी फेवरेबल है. और एक जो हमें स्टॉक अच्छा लग रहा है वो है फार्मास्यूटिकल से सन फार्मा. डेफिनेटली उसमें न्यूज़ फ्लो काफ़ी नेगेटिव है लेकिन मुझे लगता है कि ये 820 या 830 के करीब इसने काफ़ी अच्छा एक अपना बेस बनाया हुआ है और ये एक राइजिंग पैरेलल चैनल में ट्रेड कर रहा है. तो मुझे लगता है ये भी स्टॉक आने वाले दिनों में 900 या 920 के लेवल्स को छूते हुए नजर आएगा. करंट डिक्लाइन जो भी है उसे हम एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के हिसाब से देख सकते हैं. जी सिमी शुगर स्पेस अगर देखें कल थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग मोड में गया.
आज अगर आप देखें फिर स्टेबल खुला है, आप क्या करना चाहेंगी? यहाँ पे थोड़ा सा अपना मुनाफा समेटना चाहेंगी, बाहर आना चाहेंगी, या फिर इनमें से शुगर की बास्केट में से कोई स्टॉक आपको लग रहा है कि हाँ कल के फॉल के बाद, कल की गिरावट के बाद री एंट्री करना ठीक होगा इसमें? देखिए वीरेंद्र, शुगर में मेरा जो व्यू है बहुत ही पॉजिटिव है। इनफैक्ट पूरा शुगर सेक्टर अभी धीरे धीरे सुधर रहा है। बहुत पहले से ही बलरामपुर चीनी में चार्ट अच्छा था, अभी भी मैं बहुत बुलिश हूँ और मुझे लगता है कि यहाँ पे जो भी करेक्शन मिलता है, अगर आज भी ये वापस करेक्शन दिखाता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नीचे बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है। जो फॉर्मेशन है और जैसा पोटेंशियल इसमें है, क्योंकि जिस लेवल से, जिस रेंज से ये सारे शुगर स्टॉक्स गिरा है, अगर यहाँ से रिकवर करना है तो बहुत सारे शुगर ऐसा है जो करंट लेवल से 50% तक भी रिटर्न दे सकता है अगर साल भर कोई होल्ड करता है। बलरामपुर के लिए, बलरामपुर चीनी के लिए मेरा टारगेट 110 का है और बहुत शॉर्ट टर्म में ही आएगा। और मुझे लगता है कि वीरेंद्र, एक स्टॉप लॉस देना बहुत ज़रूरी होगा। कोई भी डिप में 90 तक स्टॉक को खरीदिए, 88 के नीचे स्टॉप लगाइए, 110 का टारगेट रखिए। मीडियम टर्म के लिए बलरामपुर चीनी होल्ड कीजिए, कोई भी शुगर स्टॉक होल्ड नहीं कीजिए। मुझे लगता है कि अभी भी मोमेंटम मेंटेन्ड हो सकता है। राइट, और जो रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल को राज्यसभा में मंजूरी मिली, उसका पॉजिटिव इंपैक्ट रियल एस्टेट स्टॉक्स पे, अब डीएलएफ भी पॉजिटिव आ चुके हैं और यही एक स्टॉक जो था लाल निशान में था, रेस्ट ऑफ द प्ले पॉजिटिव हो रहा था। लेकिन मिस्टर भसीन, आपके कमेंट्स मैं सुन चुका हूँ रियल एस्टेट पे, पर सर जो आपने स्टॉक्स बताए थे एग्जैक्टली एक बार फिर से रिपीट कीजिए, क्योंकि इस सेक्टर में खरीदारी हो रही है सर। रियल एस्टेट बिल का क्या पॉजिटिव इंपैक्ट समझते हैं यहाँ पर रियल एस्टेट सेक्टर पे, और कौन से स्टॉक्स रेडार पर रखने चाहिए जो गोइंग फॉरवर्ड बहुत बेहतरीन रिटर्न्स दे पाएंगे, सर वो बताएं। हाँ, तो मैंने कहा था डीएलएफ, ओबरॉय रियल्टी और शोभा, और मजौले काउंटर्स में प्रेस्टीज एस्टेट्स कहा था हमने। ये चार हमारे टॉपिक्स हैं और इमीडिएटली उसमें कोई इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं, बट आपको ये देख के चलना है रजत के REITs जो बहुत बड़ी एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल हो सकती है इस साल में, उसका इस बिल के आने से एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। प्लस अगर बॉन्ड यील्ड्स और RBI अगर रेट कट करता है 4 अप्रैल को, तो वो एक ऑल एडेड एडवांटेज होएगा। तो हमें लगता है REIT विल बी द इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन ऑफ 2016, और उस कारण से पीपल हु हैव कमर्शियल लैंड बैंक प्लस जिनके पास ऑलरेडी रेंटल इनकम बहुत स्ट्रांग विकेट पे है, वो ये चार कंपनियां उस क्राइटेरिया को मीट करती हैं। तो सो फॉर अस DLF, शोभा, ओबरॉय एंड प्रेस्टीज एस्टेट्स वुड बी द टॉप पिक्स। जी, इस बीच थोड़ा सा अगर आप देखें और ऐसे स्टॉक्स को देखते हैं जो कि सुबह सुबह मोमेंटम में है, जहां पे वॉल्यूम्स भी है, एक आप देखिए NRB, नो, इसको स्किप करता हूं, वॉल्यूम्स अच्छे नहीं है यहां पे। वॉल्यूम्स अगर आप देखें महज 4,000 शेयरों के कारोबार हुआ है। स्कीपर को देखिए, अच्छी तेजी यहां पर खबर थी, खबर का असर अच्छा इंपैक्ट पड़ रहा है। स्कीपर लगभग 144 के स्तर पे, 4 डिग्री कैसा लग रहा है अच्छा, लेकिन बहुत क्लियर मैंडेट नहीं दे रहा है अगर आप देखें क्या होना चाहिए। उसके बाद एक आप देखिए निटको 38.50 पर लगभग 3% ऊपर कारोबार कर रहा है। ये भी अगर आप देखिए हायर लेवल्स पर टिक नहीं पाया, थोड़ा सा हायर लेवल से स्लिप कर रहा है। श्रीकांत, छोटे स्टॉक्स में, आई मीन 30-35-40-50 रुपए की कैटेगरी में जो स्टॉक्स हैं, उसमें से एक दो स्टॉक्स का मैंने जिक्र किया। एक मेरे जहन में ये भी आ रहा है कि पिछले 3-4 दिन से मार्क्सन फार्मा काफ़ी मोमेंटम में है, आपके जहन में इस कैटेगरी में कोई स्टॉक आ रहा है इस वक्त जहाँ पर दाव लगाना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि ये जो मिड कैप स्टॉक्स हैं उनमें इनिशियली हम डेफिनेटली एक बाउंस देख सकते हैं, लेकिन शायद इस बाउंस को जो स्मार्ट पार्टिसिपेंट्स हैं मार्केट्स के, वो अपनी पोजीशंस रिड्यूस करने के लिए यूज़ करेंगे। इसी वजह से मुझे लगता है कि हमें काफ़ी केयरफुली इन्हें चूज़ करना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो FCEL फ्यूचर कंज्यूमर एंटरप्राइजेस है, और श्रीकांत मैं आपके पास आऊंगा, मैं आपको रोकना चाहूंगा। इस बीच अगर आप देखें ONGC को लेकर जो खबरें थी उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मैनेजमेंट जुड़ी है, मिस्टर श्रॉफ हमारे साथ हैं इस पर बात करने के लिए। श्रॉफ सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। सर पहले तो मुबारकबाद देना चाहूंगा आपको, जो ये रत्न और आर सीरीज के जो ब्लॉक्स हैं उसका पोजीशन आपको फिर मिलेगा। एग्जैक्टली सर मैं जानना चाहता हूँ, इसको लेकर आप काफी समय से पत्र भी लिख रहे थे मिनिस्ट्री को, मिनिस्ट्री के इस फैसले पर आपकी प्रतिक्रिया, और स्ट्रेटेजिकली ये अगर आप देखें जो एसेट्स हैं आप कितनी, आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं, और अभी भी कितने रिजर्व्स यहां पर हैं जिसके लिए आप आगे बढ़ेंगे? ये जो एक ऑयल फील्ड है, ये ONGC ने डिस्कवर किया था 1980s में, और इसको डेवलप भी किया था और यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म लगाया और उसमें तेल का उत्पादन भी शुरू किया। लेकिन उसके बाद में गवर्नमेंट का निर्णय ये हुआ कि इसको हम प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से ONGC और किसी और प्राइवेट कंपनी के कंसोर्शियम को देंगे।
और वो हमें खुशी है कि ये ऑयल वीट हमको वापस मिल रहा है और इसका उत्पादन हम बहुत ही जल्दी शुरू कर पाएंगे। कितना उत्पादन होगा और क्योंकि उसके बाद जब ये इसको प्राइवेट सेक्टर और ओएनजीसी के कंसोर्टियम को ये देने का निर्णय हुआ, उसके बाद से यहाँ पर इसके आसपास बहुत कई सारी डिस्कवरी भी हुई, तो अभी सबको कंसोलिडेट करके सबको प्लान बनाना होगा और उसमें कितना उत्पादन कर पाएंगे ये भी उसका निर्णय करना है। शुरुआती एस्टिमेट्स क्या कहते हैं शुरुआत साहब, कुछ भी अगर आपके पास एस्टिमेट हो इनिशियल प्रोडक्शन क्या हो सकता है, जैसे कि आपने कहा कि बहुत सारे प्रोडक्शन को आपको कंसोलिडेट करना पड़ेगा, शुरुआती प्रोडक्शन इसके ऊपर अभी काम चल रहा है, हमने काम शुरू कर दिया है और वो सब काम होने के बाद ही मतलब हम बता पाएंगे कि इसमें हम अधिकतम उत्पादन कितना कर पाएंगे। ओके सर, एक और चीज अगर आप देखें, जो न्यू प्राइसिंग फॉर्मूला है अंडर डेवलप्ड गैस डिस्कवरीज के लिए, इसको जो तब्दील किया गया है सर, इससे आई मीन एक तो ओएनजीसी पर प्रभाव क्या पड़ेगा, दूसरी बात यह है कि जो क्रिटिकल अगर आप देखें जो कारोबार होता है जहां पे आपको डीप सी में जाकर अगर आप देखें खोज करनी पड़ती है, अभी इसको कितना एडवांटेज मिलेगा और ओएनजीसी पर कितना इंपैक्ट देखते हैं आप, और कितना प्राइवेट सेक्टर या फिर पीएसयू कंपनियां जो है प्रोत्साहित होंगी इसके लिए? वो ये एक बहुत अच्छा निर्णय लिया है कल सरकार ने और इसकी वजह से जो एक हमारी डिस्कवरी थी केजी डीडब्ल्यूएम 98/2 पीएससी के ब्लॉक में, वो उसको हम उस डिस्कवरी को हम मोनेटाइज नहीं कर पा रहे थे क्योंकि गैस की प्राइसेस कम थी। हम कुछ समय से गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर रहे थे कि गैस की जो प्राइसेस हैं जो डिफिकल्ट एरियाज में है, जो डीप वाटर में है, अल्ट्रा डीप है या एचपीएसटी यानी हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर है, उसको उसमें जो गैस की प्राइसेस है उसको एक बार रिव्यू किया जाए और कीमतें बढ़ाई जाए। बहुत खुशी की बात है कि गवर्नमेंट ने इस सुझाव को माना और अभी इस पे निर्णय लिया और जो मेरी समझ है उसके हिसाब से ये जो अभी डिस्कवरीज है इसमें हम उत्पादन कर पाएंगे और इसमें हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन शीघ्र ही लेंगे। शॉप साहब आपसे बात पूछना चाहता हूँ, आपका आउटलुक इस पर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, आपका एनालिसिस अभी सर क्रूड को लेकर आपका आउटलुक क्या है और एग्जैक्टली जो आप लोगों की जो सप्लाई है डिमांड है उस सिनेरियो को देखते हुए वर्ल्ड वाइड आपको लगता क्या है, ईरान नया प्लेयर मार्केट में अब आ रहा है, इसका इम्पैक्ट क्रूड मार्केट पर क्या है और क्या आपको कुछ भनक मिल रही है सर कि इसी प्राइस के आसपास क्रूड सेटल आउट हो जाएगा? नहीं देखिए, क्रूड का जो आउटलुक है हमारा ये मानना है कि अभी कुछ समय तक तो क्रूड की प्राइसेस कम ही रहेंगी, 40-45-50 के आसपास तक ही रहेंगी, लेकिन कुछ समय बाद क्रूड की प्राइसेस में बढ़ाव आना शुरू होगा। वो कितना बढ़ाव आएगा, वो कब शुरू होगा, इसमें अलग अलग मत है, लेकिन हमारा ये मानना है कि क्रूड की प्राइसेस में बढ़ाव आना कुछ वर्षों के बाद जरूर शुरू होगा और उसी होप के ऊपर हम अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो एग्रेसिवली कर रहे हैं। राइट बिजनेस सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जी बिजनेस को अपना समय देने के लिए। ओएनजीसी फिलहाल माइनर गेन्स के साथ कामकाज कर रहे हैं। मिस्टर बसीन, आप क्या चूज करेंगे, ओएनजीसी, केन इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज, व्हाट इज योर प्रेफर्ड पिक राइट नाउ? हाँ, तो रिलायंस एंड गेल, बिकॉज ये देखिए ये एक लॉन्ग टर्म मेजर है। पहली बात, लॉन्ग टर्म एनर्जी और एक्सप्लोरेशन में बहुत ज़्यादा, एक तो इट्स अ कॉस्ट वेरी वेरी हैवीली, माने कॉस्ट इसमें बहुत ज़्यादा पड़ती है और प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट और साथ में आपने ये भी अलाउ किया है प्राइस वायबिलिटी। ये पहले भी रिलायंस के साथ सजेस्ट किया था जब उसने गैस की फाइंड की थी और अब वो एक डिस्प्यूट मामला है जिसके ऊपर ये रेजोल्यूशन है। तो क्रूड के ऊपर हम अभी 6-4 महीने तक का हो सकता है कि मार्केट में एक रेंज बाउंड मूव रहे बिकॉज ऑफ ओवर सप्लाई, बट इन द लॉन्गर टर्म क्रूड इज डेफिनेटली एन आउट परफॉर्मर। लेकिन उस कारण से, बिकॉज ओएनजीसी ऑलरेडी हैज टू मच ऑफ कैपेक्स गोइंग और उसके लिए फंड फ्लोज आर लिमिटेड, हमें लगता है द बेस्ट प्लेस वुड बी रिलायंस एंड गेल ऑन द डोमेस्टिक फ्रंट, जहाँ पे आपको प्राइसिंग पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांगली मिली है ऑन अ वायबिलिटी बिकॉज ऑफ द रैश गैस न्यू कॉन्ट्रैक्ट। तो हमारे लिए रिलायंस एंड गेल वुड बी द टू प्लेस इन द एनर्जी प्ले। जी मिस्टर बसीन, बहुत शुक्रिया आपका मैसेज जुड़ने के लिए, बजार पे अप्रोच बताने के लिए, कुछ आइडियाज हमसे शेयर करने के लिए। ऐसे में आखिरी प्रश्न होगा आपसे, आपने बताया था कि यहाँ पर एक स्टॉक टॉरेंट पार्क काफी स्ट्रांग हो सकता है, वो 2-2.5% की तेजी के साथ खुला है आज मार्केट पे, एक ऐसे स्टॉक बताएं अभी तक के ट्रेडिंग पैटर्न के हिसाब से जो आपको पॉजिटिव लग रहा हो।
देखिए टोरेंट पावर में ब्रेकआउट था प्राइस वॉल्यूम, तो वो परफॉर्म भी कर रहा है, अच्छा है अगर ये स्टॉक मेंटेन करता है ये मोमेंटम। और एक लार्ज कैप में मेरा स्टॉक रडार में है अभी इस मार्केट में, मुझे लगता है रजत 3600 के ऊपर डिसाइसिवली कल मारुति क्लोज किया था और आज भी मारुति, कल पूरा दिन मारुति स्ट्रांग था, आज भी मारुति एकदम ऊपर में मेंटेन कर रहा है, मुझे लगता है कि इसमें मोमेंटम आ सकता है। इंट्राडे के लिए 3670 तक का टारगेट था मेरा, हो सकता है ये आज अचीव हो जाए। स्टॉप लॉस 3620 या 10 के नीचे मेंटेन करना पड़ेगा अगर कोई आज ले रहे हैं तो, और अगर कोई मतलब इस पोजीशन को नेक्स्ट वीक तक होल्ड करना चाहता है तो मुझे लगता है कि 3580 के नीचे या 90 के नीचे स्टॉप लगा के पोजीशन कैरी किया जा सकता है, जिसका टारगेट 3700 तक हो सकता है। इनफैक्ट 3720 का टारगेट है मेरा शॉर्ट टर्म का, आज के दिन के लिए 3670 का टारगेट 3620 के स्टॉप लॉस के साथ। राइट समीर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, मार्केट्स पर अप्रोच बताने के लिए, और श्रीकांत जी आपका धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए और रिकमेंडेशंस देने के लिए। अब बात करते हैं आशीष टारगेट साहब से, फॉर्च्यून बाजार से मौजूद हैं और साथ साथ इम्तियाज कुरेशी इन्वेस्टर फाइनेंशियल सर्विसेज से मौजूद हैं टेक्निकल चेक देने के लिए। आशीष जी आप दोनों को बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आशीष आप ही के पास मैं आता हूँ, बाजार पर एक स्ट्रेच है कंटिन्यू हुआ है इस हफ्ते, लेकिन जो सबसे बड़ी खबर अभी रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल को लेकर राज्यसभा के पास हो गया बिल और इंपैक्ट देख लिया, स्टॉक प्राइसेस पॉजिटिव है, आर यू कंफर्टेबल इसमें रियल एस्टेट स्टॉक्स में पैसा डालने के लिए? जी रजत, अगर मैं रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल की बात करूं तो ये इट्स अ विन विन फॉर द बायर कंपेयर टू द डेवलपर्स, क्योंकि अगर मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन दैट इज द सिचुएशन, आप भी समझते हो कि बेसिकली कितना प्रोजेक्ट आउटले होता है और कितनी प्रॉब्लम आएगी। वर्किंग कैपिटल रेशियो जो हम देख रहे थे, जितना मैं कल मींस अनलिस्टेड डीलर से पोस्ट ये बात कर रहा था तो उन्होंने कहा था कि डेफिनेटली कहीं ना कहीं प्रेशर आएगा, इवन अगर आप कॉम्पीट करते हो और एस्क्रो अकाउंट ये सब के जो प्रॉब्लम्स हैं जो खोलने पड़ेंगे, और इवन इफ यू टाइमली डिलीवर द मार्जिन्स विल स्क्वीज। पॉइंट नंबर टू, इससे आप इन्वेस्टमेंट बूम नहीं ला सकते हो, बिकॉज रियल एस्टेट में इसलिए खरीदारी नहीं हो रही थी क्योंकि डिलीवरी का रिस्क था, बट देर वॉज प्रॉब्लम क्योंकि एक अंडरलाइंग इन्वेंट्री जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं डिमांड आउटलुक अभी भी वही रहने का है। इट्स ओनली अ गुड थिंग फ्रॉम द एंगल कि अब रेगुलेटर डंडा करेंगे अगर आप एज अ बिल्डर कुछ डिफॉल्ट करते हो या फिर कुछ चेंजेस करते हो अपने एंटायर कॉन्ट्रैक्ट में। इस बीच देखिए पूरा रियल एस्टेट स्पेस एग्जैक्टली अगर आप देखें प्राइस वाइज रियल्टी इंडेक्स लगभग 28 अंक ऊपर कारोबार कर रहा है। इसी सेक्टर पे बात करने के लिए हमारे साथ अब कुछ देर में खास मेहमान जुड़ेंगे, हमारे साथ मिस्टर राजीव तलवार जुड़ेंगे बात करने के लिए डीएलएफ से, उनका आउटलुक और उनकी अगर आप देखें जो एग्जैक्टली उनका एनालिसिस है वो क्या कहता है। तलवार साहब हमारे साथ मौजूद है। तलवार साहब नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। सर पहली बार टेबल होने के बाद ऑलमोस्ट 10 साल बाद ये रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल पास हो गया, पहली प्रतिक्रिया आपकी सर? और मैं एक एक शब्द का इस्तेमाल करना चाहूंगा सर, इस इंडस्ट्री में बहुत सारा कूड़ा करकट भी आ गया था फ्रेंकली स्पीकिंग, क्या वो बाहर हो जाएगा सिस्टम से, जिसने पूरे के पूरे रियल एस्टेट सेक्टर को खराब भी कर दिया था? तलवार साहब जी, तलवार साहब आपकी राय? अरे ये मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी जी, प्रश्न आपसे ही था। हेलो प्रशांत, आपके देखने वालों को भी नमस्कार। ये कुछ लोग जरूर ऐसे हैं जो गलतियां कर बैठते हैं, बट ज्यादातर लोग इस बिजनेस में सिर्फ डिलीवरी के लिए और काम करने के लिए आते हैं, उसी तरह से मकान बनते आए हैं। जो भी फायदा होगा इस इंडस्ट्री को इससे, मुझे पूरा यकीन है कि हम लोग एक नए दौर से गुजरेंगे और इसमें आने वाले वर्षों में काफी और प्रावधान किए जाएंगे जो कि खरीदारों को भी और डिवेलपर्स को भी एक आश्वासन देंगे कि आप एक ट्रांसपेरेंट और क्रेडिबल ट्रस्ट बिल्ड करिए आपस में, और इसी तरह से जितनी कमी है घरों की इस देश में वो पूरी होगी। सर मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली इस बिल के बहुत सारे चैलेंजेस भी होंगे, उसको मेट करने के लिए कैसी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस से पूरी इस इंडस्ट्री को गुजरना पड़ेगा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां अभी भी अपने प्रोजेक्ट के डेट से बहुत पीछे चल रही है, बहुत पीछे चल रही है, उनके पास डेट बहुत ज्यादा है, इंटरेस्ट बर्डन बहुत है, इस चैलेंज से इंडस्ट्री कैसे बाहर आएगी? देखिए इंडस्ट्री तो तभी फूलेगी फलेगी जब इकोनॉमी सुदृढ़ होगी और प्रगति की ओर बढ़ेगी। इस बिल से जो शुरू एक अभियान होगा वो होगा ट्रांसपेरेंसी का और डिस्क्लोजर्स का। जो भी बिल्डर है इसमें, जाने वाले बिल्डर है, छोटे भी हैं बड़े भी हैं, वो सब डिस्क्लोजर के खिलाफ नहीं है, परंतु
कई कठिनाइयां आती हैं, जैसे कि आपके अप्रूवल्स हैं वो बहुत ज्यादा बहुत अधिक मात्रा में है, उनको रैशनलाइज किया जाए, उनको ऑनलाइन किया जाए कि आपको ये चीजें अपने बिल्डिंग में बनानी ही है। और जब आप बनाते हैं उसका प्लान सबमिट कर दीजिए, क्योंकि अब रजिस्ट्रेशन हो जाएगी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी में, तो उसमें अपनी पर्टिकुलर भर दीजिए और आपके बनाने के दौरान चेकिंग हो जाएगी। तो उससे काफी समय की जो अभी अवधि बढ़ती है अप्रूवल्स के लिए वो कम हो जाएगी। इसी तरह जो आपने प्रोविजन है, जैसे कि आप 70% अपने उसमें रखेंगे एस्क्रो अकाउंट में, वो पहले भी काफी प्रांतों में था और अब पूरे भारतवर्ष में लागू हो जाएगा, वो भी एक अच्छी बात है, क्योंकि पूरा पैसा उसी में निवेश किया जाएगा जो बिल्डिंग आप बेचेंगे। पर जो सरकारी महकमे हैं, बेशक वो लोकल बॉडीज हो, म्युनिसिपल बॉडीज हो, हाउसिंग बोर्ड्स हो या अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज हो, उनको इस बिल के तहत नहीं लाया गया है। मेरे ख्याल आने वाले वर्षों में उनको भी लाया जाएगा कि वो भी उसमें अकाउंटेबल हो, जितने की प्राइवेट सेक्टर के डेवलपर्स हैं। तीसरी चीज है कि इसमें प्रावधान है जेल भेजने का। ये एक जो इंडस्ट्री है वो सिविल है नेचर में और इसमें काफी रियलिटीज होती हैं बिजनेस साइकिल की जो इसके ऊपर बहुत प्रभाव डालती है। मेरे ख्याल ऐसे प्रावधान नहीं होने चाहिए थे और शायद आने वाले वर्षों हटा भी दिए जाएंगे। लेकिन मिस्टर तलवार यहाँ पर पॉइंट मुद्दे हैं जो कि जी एक पॉइंट में और हाईलाइट करना चाहूंगा सर। ग्लोबल इन्वेस्टर्स हमेशा उस सेक्टर को प्रेफर करते हैं जहां पर रेगुलेशन होता है, और अभी एक रेगुलेशन के अंदर आ गया, एक दायरे में आ गया रियल एस्टेट सेक्टर। तो क्या मानते हैं फंड इनफ्लो रियल एस्टेट सेक्टर में क्या अब तेज होगा गोइंग फॉरवर्ड? आपने बहुत सही फरमाया कि रेगुलेटर होने के नाते विश्व भर में एक जो प्रणाली है लीगल प्रणाली है उसको रिकग्निशन मिलेगी। परंतु सरकार ने और भी बड़े अच्छे कदम उठाए हैं। दिसंबर में आपने देखा होगा कि एसबीआई इनफ्लोज के लिए बहुत चेंजेस किए गए थे जो बहुत बढ़िया चेंजेस हैं, वित्त मंत्रालय ने किए थे। इस साल का जो बजट है वो भी बहुत बढ़िया रहा है। आपको अफोर्डेबल हाउसिंग 30 स्क्वायर मीटर और 60 स्क्वायर मीटर तक उसको वर्चुअली इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दिया गया है। जो खरीदार है उनको छूट दी गई है इंटरेस्ट करने पे, 2 से 2.5 लाख बढ़ा दिया गया है। इसके उपरांत जो रीट्स में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स हटाया गया है वो भी एक बहुत बड़ा स्टेप है। मेरे ख्याल सरकार हर कदम ले रही है कि हाउसिंग इंडस्ट्री जो कि आर्थिक प्रणाली को किकस्टार्ट कर सकती है उसको बढ़ावा मिले और उसको एक नई शुरुआत मिले, रिवाइवल हो, जिससे कि आपकी 100 से अधिक इंडस्ट्रीज हैं जो इस पे निर्भर हैं उनको भी बढ़ावा मिले और जो एम्प्लॉयमेंट है उसको तो बहुत ज्यादा बढ़ावा मिले। तलवार साहब एक चीज है, अब देखिए इस रेगुलेटर के आने के बाद बिल्डर और जो बायर है वो काफी नजदीक आएंगे और ट्रस्ट जो है वो काफी बढ़ेगा भी, लेकिन इस ट्रस्ट क्वालिटी टाइम में डिलीवरी का एक चीज पर जो प्रभाव पड़ेगा वो है प्राइसिंग। सर एग्जैक्टली प्राइसिंग पर आपका आउटलुक क्या है और हाल फिलहाल में जो डायरेक्शन है प्राइसिंग की वो नीचे रही थी पिछले कुछ समय में, लेकिन यहाँ और यहाँ से आगे जाते वक्त अगले छह सात महीने के लिए आपका आउटलुक क्या है, प्राइसिंग किस तरफ जा रही है? प्राइसिंग आपने देखा भी है कि पिछले 7-8 सालों में 30-35% गिर गई थी। इस रेगुलेटरी बिल आने से एक तो ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, क्योंकि आप सफा सफा बताएंगे कि भाई इतने कार्पेट एरिया पे आपको ये प्राइस देनी है, उसके साथ इतना सुपर एरिया होगा, इतनी बैल्कनीज होंगी जो इस प्राइस के अंदर कवर्ड होंगी। और उसके बाद अगर इस इंडस्ट्री को प्रोत्साहन मिलता है और बढ़ावा मिलता है तो जितने घरों की तादाद बढ़ेगी उतनी ही प्राइसेस मॉडरेट रहेंगी। कई लोगों का ये अनुमान रहा है, कई लोगों ने सोचा है कि प्राइसेस में एक उछाल आएगा। जब घरों की संख्या बढ़ती है तो वो उछाल आ नहीं सकता। जब ओवर सप्लाई होती है या बिल्कुल उसके वॉल्यूम आते हैं तो उसमें जो दाम है वो न्यूनतम रहते हैं, वो एक मॉडरेट लेवल पे रहते हैं। मुझे पूरी आशा है कि खरीदारों की संख्या बढ़ने से जो हम लोग वॉल्यूम्स बढ़ाएंगे उसमें प्राइसेस भी न्यूनतम रहेंगी और ज्यादा उछाल नहीं देखेंगी। राइट,
तलवार साहब बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय जी बिजनेस को देने के लिए और इस अहम मुद्दे पर आज बात करने के लिए। रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल को राज्यसभा में मंजूरी मिली है और काउंटर्स पर रिएक्शन देखिए आप, जर्डू रियल्टी 10% ऊपर, अजमेरा रियल्टी 7%, डीएलएफ 5%, कोल्टे 5% ऊपर है, बहुत स्ट्रांगली खरीदारी है। बाजार खुलने से पहले मैं बात कर रहा था आज ये सेक्टर चल पड़ेगा। इम्तियाज कुरैशी जी मेरे साथ मौजूद है, इम्तियाज स्वागत है आपका सर, रियल एस्टेट सेक्टर पे क्या दाव लगा रहे हैं आज, तो खरीदारी जोर शोर से देखने को मिल रही है। गुड मॉर्निंग रजत, बेशक अगर हम देखेंगे यहाँ पे तकरीबन काफ़ी टाइम से स्टॉक्स में काफ़ी ज़रा एक कंसोलिडेशन और एक नेगेटिव जोन चल रहा था, मेरे ख्याल से आज जो मोमेंटम बिल्डअप हुआ है ये इनके ट्रेंड रिवर्सल करवाएगा और जो हिसाब से यहाँ पे जो वॉल्यूम पिकअप हो रहा है मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जहाँ पे यहाँ पे मोमेंटम जैसे कह सकते हैं कि यहाँ पे इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के फोकस में आ चुका है ये सेक्टर्स, तो मेरे ख्याल से मोमेंटम लाजमी है और आने वाले दिनों में मेरे ख्याल से और ज़्यादा स्ट्रेच यहाँ पे देखने मिलेगा। अगर इन सारे सेक्टर्स में अगर कोई पिक करना तो मेरे ख्याल से जो एक हाई बीटा स्टॉक्स है डीएल है और मेरे ख्याल से अजमेरा रियल्टी ओबरा है, मेरे ख्याल से इनमें काफी अच्छा यहाँ पे मोमेंटम देखने मिलेगा और तकरीबन और यहाँ से 4-5% की और रैली हम देख सकते हैं। आशीष चलिए थोड़ा सा हमने बात करी थी कुछ देर पहले आपसे रियल एस्टेट पर, आज की अगर आप देखें एक और डेवलपमेंट जो आज हुआ है वो है सरकारी बैंक और उसमें भी अगर आप देखें छोटे बैंक जिसको लेकर किसी ने अपना आउटलुक और उनकी जो रेटिंग है वो अगर आप देखें उसमें उसमें परिवर्तन किया है और डाउनग्रेड किया है अगर आप देखें बहुत सारे बैंकों को, आपका छोटे बैंकों पर आउटलुक क्या है, आई मीन आउटलुक ऑन दीज प्राइसेस, ये प्राइसेस जो कि लगभग 10-15% का पुल बैक, 10-15% का ट्रेडिंग गेन लेकर बैठे हैं मिड फरवरी से लेकर अब तक, यहां पर क्या किसी के पास मुनाफा है तो लेकर निकल जाना चाहिए इस वक्त, आपके आपकी राय क्या कहती है? जी वीरेंद्र, मैं थोड़ा सा ग्लोबल स्नैपशॉट के साथ चालू करूंगा, उसके बाद पीएसयू बैंक्स के ऊपर आऊंगा। अगर आप देखो तो बैंक ऑफ जापान जिस दिन रेट काटा था उसी दिन उस नेक्स्ट डे उसका इंडेक्स टॉप कर गया था, एक बार के लिए अच्छा खासा सिग्निफिकेंट करेक्शन हुआ। कल यूरोप ने मेजर लिए एंड कल वो टिप ऑफ हो गया, उसी तरह से हमें लगता है जैसे ही आरबीआई रेट कट करेगा आई थिंक दैट विल बी द फेज आउट फॉर द रैली। अब अगर आप देखो द एंटायर बैंक निफ्टी का सिनेरियो, देर आर गुड बॉयज एंड बैड बॉयज, और मैं इनको बैड बॉयज इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये अभी से नहीं, मतलब आप देख लो लास्ट वन ईयर का चार्ट देख लो, जब से हम एंटायर पीएसयू बैंक पे सिर्फ नेगेटिव बात करते आए हैं और ये नेगेटिव बात नेक्स्ट क्वार्टर में और ज़्यादा सामने आते हुए दिखेगी, जहाँ पे हमारा अनुमान है दे विल बी 12% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ फ्रेश लिपेजेस NPA एंड रिस्ट्रक्चर्ड बुक। इसका मतलब है द बिगर पिक्चर इज गोइंग टू कम आउट नेक्स्ट क्वार्टर, जहां पे आपको रियल वैल्यू ऑफ द इंट्रेंसिक वैल्यू बैंक की देखने को मिलेगी जो कि हाउलर होगा। हमारा यही व्यू रहा है, SBI 150-175 जाता है तो जो लोग अटके हैं वो निकले, ना कि 150-175 की तेजी करे, इट दे विल बी गुड शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज एट हायर लेवल्स। तो यही हमारा अभी भी रुझान है, दीज आर स्टॉक्स जहां पे अगर आप निवेश का तो बैट ले ही नहीं सकते हो, अटके हो तो डेफिनेटली ट्राई टू एग्जिट, जितना ज्यादा ऊपर का भाव पे आप एग्जिट कर पाते हो दैट वुड बी अ बेटर स्ट्रेटजी। राइट, एक स्टॉक देखिए इम्तियाज आपसे प्रश्न होगा मेरा, गोदरेज कंज्यूमर, मैरिको, इन दोनों में से क्या चूज करें, दोनों में स्ट्रेंथ नजर आ रही है, बाजार खुलते चढ़ पड़े हैं दोनों स्टॉक, गोल्डन कंज्यूमर अब 3% ऊपर आके काम काज कर रहा है, मैरिको 2.5% का मूव ऑलरेडी दे चुका है। देखिए मेरे ख्याल से दोनों स्टॉक्स में यहाँ पे मोमेंटम बना हुआ है और मेरे ख्याल से मैरिको में तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हम लैक लस्टर मोमेंटम देखते हैं, बट जब भी स्पाइक आता है तो काफ़ी अच्छे स्पाइक देखने मिलती है, दोनों में से मेरे ख्याल से मैरिको मैं यहाँ पे पसंद करूंगा यहाँ पे, बिकॉज एक इनका रेजिस्टेंस था 222 का, वो ब्रेक होने के बाद यहाँ पे स्टॉक्स में वापस एक स्ट्रेच आया 242-243 के बाद, और यहाँ पे जितना भी टाइम यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा मेरे ख्याल से ऊपर के और दायरे खोलेंगे तकरीबन 265-270 के आसपास, तो मेरे ख्याल से बने रहना चाहिए यहाँ पे मैरिको में, अगर कोई गिरावट आती तो उसको अपॉर्चुनिटी यूज करना चाहिए बाय ऑन डिक्लाइन के लिए। नीचे मेरे ख्याल से 220 काफी अच्छा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो रेजिस्टेंस था अब वो सपोर्ट बन चुका है यहाँ पे, तो मेरे ख्याल से 220 के स्टॉपलॉस पे बाई किया जा सकता है, हायर साइड में 267-268 तक के रेंज हमें देखने मिल सकते हैं। इंडेक्स का सबसे ज्यादा चढ़ने वाला स्टॉक है बीपीसीएल, आज के सत्र में बीपीसीएल मोमेंटम बना और लगभग 2% तक की तेजी स्टॉक पे बन चुकी है। आशीष क्या प्रेफर करेंगे, ओएमसीज राइट नाउ बीपीसीएल एचपीसीएल जैसे स्टॉक्स पोर्टफोलियो में होने चाहिए या फिर अवॉइड करेंगे आप? जी रजत, अगर आप देखो तो BPCL का दिस इज द फर्स्ट लेग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, दैट्स व्हाट आर अजम्पशन इज, क्योंकि अगर हम क्रूड के ऊपर बुलिश हैं और हम देख रहे हैं कि दिसंबर तक से पहले एक बार $48-55 के बीच में टॉप बनाते हुए देखेंगे तो कहीं ना कहीं OMCs पे प्रेशर आते हुए आपको देखना लाजमी है, क्योंकि जो लार्जर क्रीम ऑफ द प्रॉफिट है जो पहले हमने इसको मल्टीबैगर के रूप में प्रस्तुत किया था दैट हैज बीन टेकन बाई इन द फॉर्म ऑफ एक्साइज, तो जो OMCs हैं उनकी जो मार्जिन है वो उतने बेहतरीन तरीके से
अपस्विंग पे नहीं आ रही है, इसका मतलब है कि डाउनसाइड कंपेयर टू अपसाइड आपके डाउनसाइड के फेवर में. तो रेदर देन टेकिंग अ पॉजिटिव व्यू ऑन ओएमसी, हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ONGC, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये दो ऐसे स्टॉक होंगे जो अच्छा रिटर्न देंगे आने वाले समय में. चलिए इस बीच अगर आप देखिए एक स्टॉक पर बात करता हूँ, आई मीन देखिए ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव से बात करूंगा, आप प्लीज ट्रेडर्स, सिर्फ ट्रेडर्स ही फोकस करें यहाँ पर. आज सुबह आप वॉल्यूम्स देखिए, चार्ट पर पैटर्न देखिए, और स्पेशली जो सबसे बड़ी चीज जो कि अट्रैक्ट कर रही है इस चार्ट को वो है 60 मिनट चार्ट्स, आर्ली चार्ट्स. स्टॉक का नाम देखिए वो है M&M फाइनेंशियल सर्विसेज, 234 रुपए का प्राइस है स्टॉक, बिल्कुल डिसेंट वॉल्यूम्स के साथ. अगर आप देखें 257,245 शेयरों का कारोबार हुआ है, 235 का भाव. और मैं अगर कुछ देर के लिए आर्ली चार्ट्स पे आऊं, इम्तियाज जरा इसके आर्ली चार्ट्स को देखिएगा किस तरीके से इसने 228 के आसपास बेस बनाया और वहां से एक पुल बैक दे रहा है. और आर्ली चार्ट्स को अगर मैं थोड़ा सा और बारीक करके देखूं इम्तियाज, तो लग रहा है कि शायद ये काउंटर कम से कम नहीं तो 14-15 रुपए के मूव के लिए तैयार हो रहा है. आपकी राय क्या होगी, क्या इसके इस मूव में पार्टिसिपेट करना चाहिए, और आपको लगता है कि एटलीस्ट ये दिसंबर के हाइज जो थे 249-250 उसको रिविजिट करने की तैयारी कर रहा है? मैं जिस चीज से फोकस कर रहा हूं इम्तियाज वो है, जो चीज सबसे ज्यादा प्रभावित कर रही है वो है इसका डेली पर फ्लैग, जिसका पोल मार्च के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हुआ, अब ऑलमोस्ट आप देखिए ये 240 के ऊपर अगर निकला तो क्या देगा? आपकी राय क्या होगी M&M फाइनेंशियल पे? देखिए वीरेंद्र जी, आपने जो हाईलाइट किया काफ़ी ज़्यादा वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे यहाँ पे स्टॉक्स को पिक करने के लिए. और यहाँ पे अगर हम देखेंगे M&M में जो बेस्ट पार्ट यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसको हम यहाँ पे टेक्निकली जिगजैग स्ट्रक्चर कहते हैं. और यहाँ पे थर्ड लेग ओपन हुआ है, जो कंसोलिडेशन जोन था जो सेकंड लेग का वो कंप्लीट हो गया, और यहाँ पे जो प्रीवियस टॉप था उनको ब्रेक किया है. तो एक ये लाजमी बात हो जाती है कि यहाँ से हमें अप मूवमेंट वापस से देखने मिलेगा यहाँ से, नो डाउट. जो इनके जो प्रीवियस जो एक ईयरली टॉप थे वो तकरीबन 250 ये रेंज हमें देखने मिल सकता है. बट मैं थोड़ा सा यहाँ पे वो करूंगा कि थोड़ा सा स्टॉक्स अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा अनफेवरेबल नजर आ रहा मुझे, अगर थोड़ा सा स्टॉक तकरीबन 230-232 के आसपास अगर मिलता तो वहां पे एक्यूमुलेट करना चाहिए, और तकरीबन 218-220 ये काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जहां पे प्रीवियसली वहां पे एक रेजिस्टेंस था अभी वो सपोर्ट बन चुका है. तो 220 के स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है, और तकरीबन 220-230 के आसपास और ऊपर में मेरे ख्याल से 245-248 ये रेंज हमें देखने मिल सकता है. बट थोड़ा सा जो टाइम पीरियड है हमें थोड़ा इसको बढ़ाना पड़ेगा, तकरीबन एक हफ्ते तक का यहाँ पे होराइजन देखेंगे तो मेरे ख्याल से टारगेट अचीवेबल हो सकता है. राइट, बहुत स्कैटर्ड मार्केट नहीं, आज एक ही तरफ डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ऐसा लग रहा है कि कंसंट्रेशन सिर्फ रियल एस्टेट पैक में ही है. लेकिन फिर भी मिड कैप स्टॉक जो चल रहा है वो है वाटेक वाबाक, ये आज ही नहीं इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों से वॉल्यूम्स के साथ चढ़ रहा है. आशीष, आप ट्रैक करते हैं इस कंपनी को, और फिलहाल में 594 करोड़ का ऑर्डर मिला था चेन्नई से, उसका इम्पैक्ट है या फिर कुछ और? बहुत स्ट्रांगली बॉटम फिशिंग होती चली जा रही है स्टॉक में. जी, वबाग के ऊपर हमारा कंस्ट्रक्टिव टारगेट है, लेकिन बहुत छोटा टारगेट है, 650 का, हम उसको वहीं तक देख रहे हैं आने वाले 6 महीने के नज़रिए से. अगर आप देखो तो देर वाटर ट्रीटमेंट पे दो ही कंपनी है जिसका नाम आपको हाथों हाथ क्लिक करता है एनी टाइम देर वाटर रिलेटेड न्यूज इज कमिंग. वन इज वाटेक वबाग और दूसरा आयन एक्सचेंज, दोनों कहीं ना कहीं अपने प्राइस के आसपास चल रहे हैं, प्लस माइनस 20% फेयर वैल्यू जोन पे, और ये अभी हमें लगता है कि समय बिताते हुए चलेगा कुछ और समय तक. तो दिस विल बी मोर ऑफ अ प्राइस टाइम एंड प्राइस कंसोलिडेशन रेदर देन फेयर्स मूव्स. तो कोई भी टारगेट जो 600-650 के बीच में आता है तो स्टार्ट एग्जिटिंग दिस पर्टिकुलर स्टॉक. इस बीच आप देखिए इंडेक्स निफ्टी करीब करीब डे हाई पे कारोबार कर रहा है, लेकिन निफ्टी में एक स्टॉक को देखिएगा और मॉनिटर करते रहिएगा, कैश में भी, डेरिवेटिव्स में भी और ऑप्शंस में भी. और चार्ट तो खैर इतना अच्छा है कि पूछिए मत. कल इस पर हमने आपको खबर दिखाई थी, हीरो होंडा, इन्होंने अपना एक जो इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी सेंटर है वो भी अगर आप देखें उसकी शुरुआत की है. और देखिए चार्ट पर जिस पैटर्न को बोलते हैं, अभी कुछ देर पहले मैं जिक्र कर रहा था फ्लैग का, ये सबसे बेहतरीन, अगर आप देखें बजाज ऑटो को देख लीजिए, TVS को देख लीजिए, हीरो मोटर को, आपको किसी भी क्राइटेरिया पे सबसे बेहतरीन प्लेस पर बैठा है ये. इम्तियाज जरा हमारे व्यूअर्स को समझाएंगे, जो ये पैटर्न स्क्रीन पे विजिबल है, अगर ये अपने मार्च फर्स्ट वीक के हाई को, उस वाइल्ड बार के हाई को, यानी 2849 जो कि यहाँ से लगभग लगभग अब 15 रुपये ऊपर है, अगर काटता है तो ये क्या कर सकता है हीरो मोटर कॉर्प?
देखिए वीरेंद्र जी, यहाँ पे हीरो होंडा जो है मेरे ख्याल से एक ऐसा आउट परफॉर्मेंस स्टॉक है जो हमने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एक रिटर्न आते हुए देखा हुआ है, एक प्रॉफिट ट्रेडर्स के बुक्स में आते हुए देखा है। अगर हम देखेंगे एंटायर जो ये रैली आई थी, मेरे ख्याल से इसमें मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन हीरो होंडा की तरफ से आया है। एक हाई बीटा स्टॉक से वेटेज भी ज़्यादा इंडेक्स में है, नो डाउट एक पोल स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ पे, कंसोलिडेशन जोन कंप्लीट हुआ है और जैसे ये प्रीवियस टॉप ब्रेक होगा मेरे ख्याल से 2849 के ऊपर, तो मेरे ख्याल से जो एंटायर जो रैली थी उसका रिट्रेसमेंट और उसके बाद ये थर्ड लेग ओपन अप, तो ओपन अप जो होगा वो तकरीबन 161% ऑफ द प्रीवियस रैली का यहाँ पे देखने मिल सकता है, तो तकरीबन वो 3000 के आसपास आ रहा है। तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, जस्ट वेट करिए ब्रेकआउट का। जैसे ये ब्रेकआउट होगा मेरे ख्याल से एक जोरदार स्पाइक देखने मिल सकता है हीरो होंडा में। राइट, इनफैक्ट आशीष, दो सेक्टर्स जो पिछले कुछ दिनों में बज कर रहे थे उसमें मेटल शामिल था और साथ साथ चीनी शेयर्स, दोनों पे आपके कमेंट्स क्या लगता है, यहाँ से तेजी और बढ़ेगी, खरीद लेना चाहिए इन स्टॉक्स को? जी रजत, अगर आप मेटल्स का बात करो तो मैं नॉन फेरस में, जैसे हम बुलिश थे वेदंता ये सब पे, तो वहाँ पे हमने प्रॉफिट बुकिंग का सलाह ऑलरेडी दे दिया, क्योंकि हमें लगता है कि ये अपर जोन और लोअर रेंज में रहेगा जहाँ पे ये 65 रुपये पे अट्रैक्टिव वे बनता है, और जैसे ये 90-95 के आसपास जाएगा तो ये थकते हुए दिखेगा। और अगर आप स्टील का बात करो तो स्टील प्रोटेक्शन पॉलिसी के तहत मतलब अच्छा खासा भाव इंक्रीज़ हो चुका है, लेकिन हमें डाउटफुल है कि यहाँ से और पड़ेगा, क्योंकि जब मैंने चैनल चेक किया तो करीबन 4000 रुपये टन से 5000 रुपये टन ऑलरेडी स्टील के प्राइसेस बढ़ा दिए जा चुके हैं। तो जिस तरह का अंडरलाइंग प्रॉमिस था कि आप बहुत अग्रेसिवली अपने प्राइस नहीं बढ़ाओगे एंड इट इज़ मोर टू प्रोटेक्ट दिस थिंग, तो यूज़र इंडस्ट्री कहीं ना कहीं इसको रिवोल्ट करते हुए देखेगी, तो हमें नहीं लगता कि ये 6 महीने का जो विंडो है उसको और एक्सटेंड किया जाएगा, या फिर स्टील कंपनियों को बोला जाएगा कि जनाब आप अपने प्राइस थोड़े काट लो, अदरवाइज वी हैव टू रिविजिट आवर पॉलिसी। तो आइदर वेज हमें लगता है कहीं ना कहीं विथ रिजल्ट ये टॉप बनाते हुए दिखेंगे, तो वो वहाँ से भी हमारी एग्जिट की सलाह होगी। निफ्टी इस पीछे अगर आप देखें 7531 पर डे हाई पर आके खड़ा हो गया है, और इस वक्त दोनों ही इंडेसेस को देख लेते हैं एक बार, निफ्टी और बैंक निफ्टी। याद रखिएगा जो कल का हाई था, ओपनिंग पॉइंट जो था 7547, वो इस दौर का हाई है, यानी मार्च का हाई है, जिसका पार करना शायद हमको एग्जैक्टली फिर फोकस ही करना पड़ेगा कि 7550 पे इसका बिहेवियर कैसा है, और ये अपने क्रिटिकल सप्लाई जोन यानी रेजिस्टेंस जोन से लगभग कितना मेरे ख्याल से हार्डली 7500 पॉइंट दूर रह गया। तो दोनों ही इंडेक्स जो है वो अच्छे लेवल्स पे आ चुके हैं, एक क्रिटिकल लेवल पे आके खड़े हुए हैं, लेकिन फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेने पर आपकी रणनीति कुछ डिफरेंट होगी और क्लियर कट मैंडेट मिलने के बाद आपकी रणनीति डिफरेंट होगी। इम्तियाज, मैं अगर ये मान के चलूँ कि आज 7550 पार हो जाएगा, इस केस को मान के चलूँ, और बैंक निफ्टी 15400 के जोन को पार कर जाएगा, तो निफ्टी में ही जो 50 स्टॉक्स हैं उनमें से किन किन पर आप फोकस करेंगे? मैंने एक हीरो मोटर को आप पे फोकस किया, और इस दौर का सबसे मजबूत शेयर जो है एक है एशियन पेंट्स, जो कि कभी भी, ये आप भी चार्टिकली देख रहे हैं, मैं भी चार्टिकली देख रहा हूँ, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, या फिर अगले हफ्ते, उसके अगले हफ्ते, ये आपके पेशेंस टेस्ट कर रहा है, लेकिन जिस दिन में निकला अच्छा पैसा बनेगा। क्या कहते हैं आप इस पर? वीरेंद्र जी, एक थोड़ा सा एक हाईलाइट देना चाहूँगा निफ्टी के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल एक थियरी है जिसमें अंडरस्टैंडिंग ये होता है कि जो फ्राइडे का जो हाई और लो, जो वीकली हाई और लो बनता है, तो वह काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर हम देखेंगे अब तक के ये वीक के जो हाई जो कल लगे थे 7547, अगर उसको आज फ्राइडे के दिन वॉयलेट करके उसके ऊपर मेंटेन कर लेता, तो मेरे ख्याल से एक इंडिकेशन होगा कि यहाँ से निफ्टी अगले हफ्ते भी तेजी के मूड में ही रहेगा, और अगर नहीं हुआ, अगर मेंटेन रहा, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग अराइज हो सकता है। तो ये काफ़ी एक स्मॉल थियरी है, बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम काफ़ी ज़्यादा क्लोज है यहाँ पे वीकली हाई की तरह, तो अगर मेरे ख्याल से अगर आज वीकली हाई बन जाता है तो इंडिकेशन हो जाएगा कि फॉलो अप ऑफ बाइंग वापस कंटिन्यू रहेगी नेक्स्ट वीक में, और अगर नहीं होता तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देखने मिल सकता है। बट एनी हाउ, अगर स्टॉक स्पेसिफिक की बात करें तो येस, मेरा भी पसंद वही होगा, एशियन पेंट। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हमने देखा है लास्ट दो सेशन में काफ़ी अच्छी यहाँ पे मोमेंटम देखी है, और कल गिरावट होने के बावजूद भी स्टॉक्स ने डे हाई पे क्लोज किया, तो मेरे ख्याल से एशियन पेंट में अभी भी मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा, और यहाँ से हमें 3-4% की और बढ़त 1-2 दिन में देखने मिल सकती है। दूसरा जो पीक मैं यहाँ पे मैं करूँगा, मेरे ख्याल से जो एंटायर सेक्टर्स में मेरे ख्याल से मारुति काफ़ी अच्छा यहाँ पे मोमेंटम प्ले कर सकता है। यहाँ पे इंट्राडे चार्ट पे हमने प्रीवियस स्टॉप को ब्रेक होते हुए देखा, तो यहाँ से अभी और तकरीबन 3-4% की और मोमेंटम हमें यहाँ पे हायर साइड में देखने मिल सकता है। तो ये दो स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हूँ। आशीष, ऑटो स्टॉक्स में क्या चुनेंगे आप, और दूसरा हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है क्या आपके रडार पर है राइट नाउ?
जी ऑटो स्टॉक्स में, ऑटो एंसिलरी में, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बात किया था कि एसएमएल, इसुजू, इगार्शी मोटर्स, दीज आर यूनिक कंपनीज जो कि जब भी रिवाइवल आता है तो देर विल बी वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ बाउंस बैक्स. और वहाँ पे क्या है कि आपको 15 PE, 14 PE पे स्टॉक मिल रहे हैं विथ अ ग्रोथ स्टोरी. अभी अगर आप फोकस करो, मार्केट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि मार्केट इज डिवाइडेड. मार्केट का अपसाइड मतलब अगर आप बुल से बात करोगे तो 8,000-8,200 लगता है. बीयर से बात करोगे, हमारा व्यू देखोगे तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं 6,700 से 6,300 के बीच में शायद कहीं ना कहीं मार्केट वापस रिविजिट करते हुए देखेगा. बट जो स्टोरीज ग्रोथ की है, ग्रोथ ओरिएंटेड है, वहाँ पे बहुत अच्छे पैसे बनेंगे इरेस्पेक्टिव कि वो यहाँ से 15-20% करेक्ट करें या नहीं करें इन द डाउनफॉल और अपस्विंग. इसमें हमें लगता है कि एसएमएल, इसुजू, इगार्सी मोटर, क्योंकि उनकी 2-3 साल की विजिबिलिटी हमें देख पा रहे हैं, तो दोज आर सेफ बेट्स. और दूसरा, आप हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज की बात करें तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पूरा करेक्शन में ज़्यादा गिरा भी नहीं, एंड ऑल दो सूडो कंपनीज दे हैव बाउंस बैक वेरी शार्पली. तो कहीं ना कहीं वो अपने रेंज पे इस पर्टिकुलर न्यूज़ को एब्जॉर्ब करते हुए देख रहे हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट सिनारियो डेफिनेटली कम होना है, क्योंकि ग्लोबली नेगेटिव बेंचमार्क पे अपने बैठे हैं और 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट लाजमी है अप्रैल की मीट में या उससे पहले 16-17 तारीख को भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं रहेगी. एक और चीज़ है जो मैं कहना चाहूँगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ रेट कट, आरबीआई को देखना है कि क्यों स्टेट गवर्नमेंट अपने बॉन्ड्स को इतने हाई प्रीमियमाइजेशन पे दे रहे हैं, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का बॉन्ड का रेटिंग भी इज एज गुड एज एनी बैंक्स डेट इज इन पब्लिक डोमेन. क्योंकि जैसे बैंक्स पब्लिक सेक्टर बैंक्स डिफॉल्ट नहीं कर सकती, स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट अफोर्ड टू डिफॉल्ट. तो अल्टीमेटली जब वो पैसा वहाँ पे 7.1 से 7.9% के बीच में अगर पैसा उठाए जाएंगे तो आरबीआई 25 से 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट भी करे तो डिपॉजिट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा. तो आरबीआई को सबसे पहले चेक इन करना चाहिए कि ये जो स्टेट गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हैं इसको किस तरह से वापस प्राइस किया जाए, बिकॉज दैट इज गोइंग टू क्रिएट हर्डल. एनी ट्रांसफॉर्मेशन विल नॉट हेल्प जब तक ये रेट कम नहीं आते हैं. तो दिस हैज बीन द चैलेंज और हमें लगता है ये आने वाले समय में भी चैलेंज रहेगा, चाहे वो यूपी का गवर्नमेंट हो या वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट हो या कोई भी हो. वो इस रेट पे अगर रुपए उठाएंगे तो आपका आरबीआई का रेपो और मार्केट ऑपरेशन से कुछ नहीं होने का. इस बीच आप जरा शक्ति पंप्स को देखिए, आज 4% ऊपर, 6 रुपए की तेजी लेकर 152 पे कारोबार कर रहा है. गौरतलब है कि बजट स्पीच के दौरान इसका भाव था, याद रखिएगा, 98 से 1, 2, 3, 4 सेशन में इसने हाई लगाया 160 का, माफ कीजिएगा, और अब इस रेट को कंसोलिडेट कर रहा है. मैं कुछ देर में इस मैनेजमेंट से बात करने की कोशिश करूंगा, लेकिन आशीष ये देखिए, जो बजट स्पीच थी उसका शुरुआती आधा घंटा वो रूरल इंडिया पे फोकस था, इरिगेशन, रूरल डेवलपमेंट, मनरेगा, साथ ही साथ अगर आप देखें रोड कंस्ट्रक्शन ग्रामीण भारत में, पंचायत को इतना पैसा देना, आई मीन 80-80 लाख रुपए एक एक पंचायत को मिला है इसमें, इस बार इस बजट में. आपको क्या लगता है कि इन स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए, वाकई पंप स्टॉक्स हो गया, इरिगेशन स्टॉक्स हो गया, और अब ये आपके पोर्टफोलियो में बड़ा हिस्सा रखेंगे, और अगर आप शक्ति पंप्स को ट्रैक करते हैं तो इस पर आपकी राय क्या होगी? जी, शक्ति पंप हमारे रडार पे आया था जब वो 55 रुपए का था और अमिताभ बच्चन शायद इसका ब्रांड एम्बेसडर एंडोर्स हुए थे. उस समय हमने इसको डेफिनेटली एक सूडो पिक दिया था कि 40 रुपए के स्टॉप लॉस पे 95 का फर्स्ट टारगेट देखे, एंड व्हेन द स्टोरी बिल्ट अप हमें थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा था, लेकिन हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ये ओवर प्राइज्ड है या ऑलमोस्ट फुल्ली प्राइज्ड इन है, क्योंकि इसका टारगेट और वैल्यूएशन अगर मैं देखूँ तो देर आर बेटर मैनेजमेंट्स दैट आर अवेलेबल एट ऑलमोस्ट सेम और अ डिस्काउंटेड वैल्यूएशन. तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये प्राइज्ड इन है. अगर आप देखो तो महिंद्रा एंड महिंद्रा की ग्रुप की कंपनी एपीसी इंडस्ट्रीज, एंटायर फोकस इज नाउ शिफ्टिंग फ्रॉम महिंद्रा ग्रुप ऑन एग्रीकल्चर बिजनेस. तो ईपीसी कुड बी अ वेरी गुड सेफ बेट एट करंट लेवल्स. अभी आप अगर उसके वैल्यूएशंस देखो तो पिछले 3 साल में कंपनी ने कुछ नहीं किया, लेकिन जो ट्रांसफॉर्मेशन की बात कंपनी कर रही है तो हमें लगता है कहीं ना कहीं आने वाले 3 से 4 साल इसको डेफिनेटली देना चाहिए, क्योंकि उसका फोकस भी माइक्रो इरीगेशन है और बहुत अच्छा मैनेजमेंट है. महिंद्रा का मैनेजमेंट इज नोन वेल टू एवरीवन. वैसे ही हमें लगता है जैन इरीगेशन कहीं ना कहीं अपना लोअर जोन और अपर जोन में चलता है, बट दीज आर गुड सेफ ट्रेडिंग बेट्स, क्योंकि इसका टॉप बनता है 75 के आसपास, इसका बॉटम बनता है 47 से 50 के बीच में. तो गुड सेफ ट्रेडिंग जोन है जहां पे आप डेफिनेटली फोकस कर सकते हैं. एक और चीज कहना चाहूंगा, इस बार अगर मानसून अच्छा होता है
जो डिमांड रूरल पिकअप होगा दैट विल बी द ओनली कैविएट फॉर मी टू चेंज माय आउटलुक पोस्ट 15th में, क्योंकि 22 अप्रैल से जब पीएसयू बैंक्स के रिजल्ट आते हैं और टिल 15 मई हमें लगता है कहीं ना कहीं 13 मई क्योंकि 13 मई इज द फ्राइडे तो वहां तक हमें लगता है कहीं ना कहीं मार्केट पे प्रेशर रहेगा। उसके बाद मानसून का रुझान होगा जो कि हमारा नेक्स्ट ट्रिगर देगा कि हम अपसाइड की तरफ देखना चाहते हैं कि डाउनसाइड की तरफ से। सो दैट इज वन थ्रस्ट जो हमें लगता है कि बहुत बुलिश होगा और शायद कंजम्पशन को भी पुश कर सके, अदरवाइज वी डू नॉट सी एनीथिंग else in the this scenario जो trigger कर सकता है। So we are also banking on monsoon and उसका data pointers जैसे आते हैं तब दिखना बहुत interesting होगा। जी हाँ, इस बीच अगर आप देखें निफ्टी में जोरदार तेजी है, लगभग 54 अंक ऊपर निफ्टी कारोबार कर रहा है 7540 पे। अब हम धीरे धीरे अगर आप देखें SGX निफ्टी बिल्कुल वो शो ही नहीं कर रहा था, वो मोमेंटम वो बाइंग की पॉसिबिलिटी शो ही नहीं कर रहा था, बिल्कुल फ्लैट था और इस बीच निफ्टी डे हाई पर आके खड़ा हो गया है। और आज देखिए जिन स्टॉक्स में सबसे अच्छा दमखम है, जो सॉलिड हैं काफ़ी और जो इस वक्त ऊपर लिखे जा रहे हैं, वो है अदानी पोर्ट्स एंड SEZ, ये लगभग 2.5% ऊपर, BPCL 2% ऊपर, एक्सिस बैंक प्राइवेट बैंकिंग स्पेस से अगर आप देखें आके डिलीवर करता हुआ लगभग 2% ऊपर 420 के स्तर पर। मैं एक्सिस बैंक पर इम्तियाज बहुत छोटा सा आपका आउटलुक चाहूँगा, एक्सिस बैंक पर आपकी राय 421 पर। देखिए एक्सिस बैंक को अगर एंटायर बैंकिंग सेक्टर्स की बात करें तो मैं ज़्यादा यहाँ पे पॉजिटिवली बात नहीं करूँगा, बट एक इंट्राडे प्ले के लिए यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा मोमेंटम है। बट जो इनके स्ट्रक्चर बने हुए हैं यहाँ पे फुल्ली हायर साइड कैप नज़र आ रहे हैं, और जब तक ये स्टॉक्स तकरीबन 430-435 के रेंज को सरपास नहीं करता मेरे ख्याल से, और यहाँ पे हायर साइड में मेरे ख्याल से प्रेशर आ सकता है। तो फिलहाल इतना ज़्यादा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस यहाँ पे नहीं देखने मिल सकता यहाँ पे एक्सिस बैंक में। बट अगर थोड़ा सा अगर ऊपर आता है मेरे ख्याल से 427-428 रेंज में, तो वहाँ पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी अराइज हो सकती है विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 435। चलिए इस बीच बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशीष, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी सेक्टर पे इंडस्ट्रीज पे स्टॉक्स पे बनाए रखिए आपने, इम्तियाज बने रहेंगे हमारे साथ इस कार्यक्रम में।